नमस्कार मेरे कॉमिक्स वाले दोस्तों, मैं आपका इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर फिर आ गया हूँ एक छोटी सी नई वीडियो लेकर। तो क्या है खास इस वीडियो में, जैसा कि थंबनेल से आप समझ गए होंगे, लाइव बाय पार्सल दिखा दूँ। तो यही है वो एक छोटा सा पतला दुबला सा पार्सल जो कि मैंने कहाँ से मंगाया है, Amazon.in से। तो Amazon.in की वैसे तो पैकेजिंग बड़ी ख़राब होती है, देखते हैं ये बचा है या नहीं। ऐसे थिन लेयर्ड पार्सल को खोलने के लिए कैंची ही बेहतर रहती है। तो आइए अब फास्ट फॉरवर्ड की मदद से जल्दी जल्दी हम इस पैकेट को खोल लेते हैं। पैकेट के अंदर झांक के देखता हूँ कुछ बचा क्या। अरे पब्लिशर, इतनी महंगी कॉमिक्स दिए, कुछ तो फ्री दे देते। खैर, वीडियो के थंबनेल और इस ट्रांसपेरेंट पैकेज से आप पहले ही समझ चुके हैं कि इसमें क्या है। आइए इसका बबल रैप हटा लेते हैं। ना मालूम हो तो बता दूं कि चाचा चौधरी के निर्माता स्वर्गीय आर्टिस्ट प्राण के सुपुत्र निखिल प्राण जी ये अब हैंडल कर रहे हैं इन प्राण कॉमिक्स को। दरअसल गुलशन राय जी के निधन के पहले ही डायमंड कॉमिक्स काफी विवादों में थी प्राण जी द्वारा बनाए गए किरदारों के राइट्स को लेकर। जी हाँ, इंडियन कॉमिक्स की ये बहुत बड़ी खासियत है, जितना तो हम ग्रो नहीं कर पाए हैं उतना ज्यादा विवादों में रहते हैं। और यही वजह है कि कोई पब्लिशर मेरा फेवरेट नहीं है, कॉमिक्स और किरदार मेरे फेवरेट है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, डायमंड कॉमिक्स के ओनर गुलशन राय जी के निधन के बाद डायमंड कॉमिक्स पब्लिशर उतनी एक्टिव है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन निखिल प्राण जी सुपर एक्टिव हैं और उन्हीं की वजह से ये रीप्रिंट्स प्राण टून्स या प्राण कॉमिक्स के नाम से आ रही हैं। नई कॉमिक्स भी आ रही हैं बट उसका आर्टवर्क प्राण जी के आर्टवर्क के सामने बिलो एवरेज लगता है। ये पीछे देख लीजिए, पैकेट खुल गया है, ऐसा दिखता है आपका आर्टवर्क। और ये रहा प्राण जी का आर्टवर्क, रमन और बारिश। ये रिप्रिंट अभी हाल में ही आया है। मैंने तो पूरा सोच रखा था कि इनकी एक भी रिप्रिंट नहीं लूंगा, ऐसा क्यों आगे बताता हूँ। पहले ये बबल रैप हटाते हैं। पहली बात, ये छोटे और स्टैंडर्ड साइज की कॉमिक्स है, जैसा डायमंड और राज कॉमिक्स पहले आती थी। थिकनेस आप खुद देख लीजिए कितनी थिक है, पुरानी वही 8-10 रुपए वाली कॉमिक्स है। और अब प्राइसिंग देख लीजिए, 200 रुपए, मतलब गजब की लूट मचा रखी है ये कुछ पब्लिशरों ने, एकदम थम्स डाउन है ये प्रांस पब्लिशर को। अब मैंने ली क्यों मैं ये बता देता हूँ। एक तो ये 70-80 रुपए की वर्थ चीज थोड़े डिस्काउंट में अमेजन से 150 रुपए की आ रही थी। दूसरा, जितना भी मेरे पास रमन का कलेक्शन था वो सब मिसप्लेस हो गया। तो रमन और बारिश, ये पहला ऐसा टाइटल है रमन का जो प्राण कॉमिक्स के द्वारा रीप्रिंट किया गया है, इसीलिए मरता क्या ना करता मुझे लेना पड़ा। पेजेस अच्छे इस्तेमाल किए हैं और कलरिंग को भी निखारा गया है। ये है इसके टाइटल वाली कहानी, रमन और बारिश। नो डाउट कि जिस नए तरीके से इसकी साज सज्जा की गई है और इसके पेपर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर वो पुराने समय में डायमंड कॉमिक्स में वो न्यूज़पेपर स्टाइल पेपर नहीं हुआ करती थी, उनका नॉस्टैल्जिया लेवल कुछ अलग ही था और ज्यादा लागत भी नहीं लगती थी। मैंने इस रीप्रिंट को पूरा पढ़ लिया, हार्डली 10-15 मिनट की रीड है, सिंपल सिंपल सी स्टोरीज है। और पढ़ने के बाद ऐसी ऐसी मात्राओं में गलतियां दिखाई दी जैसे इसकी प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग किसी 5th क्लास के बच्चे ने की। कहानियां बहुत ही छोटी और सिंपल हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम 5 कहानियों के आगे आ चुके हैं। 6वीं कहानी है टेबल टेनिस। कहानी से बेहतर मैं ऐसे कहूंगा कि लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स हैं जो आपको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। इसी कड़ी में अगली कहानी है मुर्गा। कई कहानियां तो एक पेज में ही खत्म हो जाती हैं। चलिए सारी कहानियां गिनी लेते हैं। अगली है योगाभ्यास, फिर है 10 में 10, अगली है दिवाली मुबारक, फिर है बुद्धू, अगली है मूछें, फिर आई कहानी, फिर है डेजर्ट कूलर, अगली है अपहरण। इस कॉमिक्स की ये एकमात्र कहानी है जिसे पढ़ के मुझे मजा भी आया और हंसी भी आई। अगली कहानी टोपी, फिर शोर शराबा, फिर दातुन, देन टीवी सीरियल, और फिर दाढ़ी, फिर जुराब, और आखिरी कहानी है आविष्कार। फिर इसके बाद चाचा चौधरी और राका का खेल, इस कॉमिक्स का एड है, इसका भी रिप्रिंट मार्केट में है। फिर अगले पेज में चाचा चौधरी और राका सीरीज की अब तक की सारी कॉमिक्स की लिस्ट है, और ये सीरीज की हिंदी देखिए तो ऐसे लिखा जाता है। चलिए आपको कॉमिक्स के वो फ्रेम दिखाता हूँ जिनमें मात्राओं की गलतियां बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकते। जो फ्रेम्स आपको दिखा रहा हूँ उसके हाइलाइटेड मार्क्स देखते जाइए। मैं अपनी हिंदी के लिए खुद को 10 में से 10 नंबर नहीं देता, पर बड़े गर्व से कहता आया हूँ कि जितनी भी आती है उसमें एक बड़ा हाथ अमिताभ बच्चन जी की फिल्मों, पुरानी राज कॉमिक्स और डायमंड कॉमिक्स का है। पर बड़े अफसोस की बात है कि आज की जनरेशन 10 गुना पैसे खर्चे करने के बाद भी इन्हीं ब्रांड से मात्राओं का ठीक ठीक ज्ञान भी नहीं ले सकती। खैर, मैं भी क्या बात लेकर बैठ गया, इन स्टोरीज में इतना भी दम नहीं कि आज की जनरेशन
ये स्टोरीज पढ़ें, और वो भी 200 रुपए देकर। हम जैसे अधेड़ों का झुंड ही ये 6-8 रुपए वाली किताबों के 200-200 रुपए देकर इन पब्लिशरों को लाल कर रहा है। आप भी अगर नॉस्टैल्जिया के नशे को चखना चाहते हैं तो अमेज़न पे ये कॉमिक्स अवेलेबल है, 150 रुपए की ज़रूर खरीदें। अदरवाइज हैवी डिस्काउंट आने का इंतज़ार करें, ये किताब 80-90 रुपए से ऊपर वर्थ नहीं है। एंड कवर के इनर पेज पे ये छोटा सा अंक तालिका वाला गेम दिया हुआ है छोटे बच्चों को लुभाने के लिए। तो कुल मिला जुला के बात यही है कि रमन के इस रिप्रिंट को प्राण जी के आर्टवर्क के लिए फुल मार्क्स, पर पब्लिशर के द्वारा इस प्राइस कोट के लिए थम्स डाउन। तो यही थी आज की वीडियो। मेरी बातों से कोई वैचारिक मतभेद हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरा कंटेंट देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिना लाइक और सब्सक्राइब किए आगे मत बढ़िएगा। इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर का आपको सादर प्रणाम।